बॉलीवुड में एक समय एक ऐसी जोड़ी थी जो पर्दे के साथ साथ लोगों के दिलों पर भी राज करती थी। ये जोड़ी थी शाहिद कपूर और करीना कपूर की। शाहिद और करीना का नाम इस तरह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ था जैसे वो दो नहीं बल्कि एक नाम हो। फिल्मों में इनकी केमिस्ट्री फैंस को जितनी पसंद आती थी उससे भी ज्यादा ऑफ स्क्रीन इनका प्यार लोगों को लुभाता था। दोनों के प्यार को देखकर फैंस अंदाजा लगा लिया करते थे कि ये शादी के बंधन में जरूर बंधेंगे। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और दोनों का ब्रेकअप हो गया। बॉलीवुड और फैंस के लिए करीना और शाहिद का अलग होना बहुत ही शॉकिंग खबर थी। शाहिद और करीना के प्यार की शुरुआत 2004 में हुई। इसके कुछ साल पहले ही दोनों ने एक साथ फिल्मों में एंट्री भी की थी। करीना जहां मशहूर कपूर खानदान की बेटी हैं, तो शाहिद वही अभिनेता पंकज कपूर के बेटे हैं। जनता इन्हें फिल्मों में आने से पहले भी जानती थी, लेकिन इन दोनों ने अपनी मेहनत से अपना नाम कमाया। 2004 में शाहिद और करीना को एक ही फिल्म में कास्ट किया गया जिसका नाम था फिदा। करीना कई फिल्में करके हिट हो रही थी, वहीं शाहिद को आए कुछ ही वक्त हुआ था। फिदा के सेट पर दोनों में बातचीत बढ़ी और दोस्ती हो गई। इसके बाद ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। एक इंटरव्यू में करीना ने खुद कहा था कि शाहिद से प्यार की पहल उन्होंने ही की थी। उन्हें शाहिद बहुत अच्छे लगे थे, इसलिए वो उनको मैसेज करती थी और फोन पर बात किया करती थी। बेबो ने कई बार खुलेआम अपने प्यार का इजहार शाहिद से किया था और इनका रिश्ता बिल्कुल पब्लिक हो चुका था। शाहिद करीना ने कई फिल्मों में साथ में काम किया, लेकिन दोनों की जोड़ी ऑफ स्क्रीन ज्यादा पसंद की जाती थी। करीना शाहिद से बहुत प्यार करती थी और वो उनके लिए इतनी दीवानी हो गई थी कि उन्होंने शाहिद के लिए नॉनवेज तक को छोड़ दिया था। करीना का परिवार शाहिद को बहुत पसंद करता था, यहाँ तक कि करिश्मा भी शाहिद को बहुत अच्छा दोस्त मानती थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक बात पर दोनों के रिश्ते में खटास आ गई। शाहिद और करीना के रिश्ते के टूटने की वजह सबसे पहले सैफ को माना जा रहा था। जब वी मेट की शूटिंग के दौरान शाहिद और करीना में ब्रेकअप जैसे हालात हो गए थे। इस फिल्म के आखिरी सीन के बाद दोनों ने पैकअप कर लिया और अलग अलग गाड़ी में बैठकर चले गए। इसके बाद लैक्मे फैशन वीक में जब करीना सैफ के साथ नजर आई तो लोगों को यकीन नहीं हुआ। इसके बाद फिल्म टशन के दौरान सैफ और करीना काफी करीब आ गए और वहां से इनका प्यार शुरू हो गया। वहीं दूसरी तरफ शाहिद और करीना पूरी तरह से एक दूसरे से दूर हो गए थे और इनके ब्रेकअप के बाद इनके रिश्ते के टूटने की वजह सामने आने लगी थी। करीना का कहना था कि शाहिद से उनकी दूरी की वजह थी अमृता राव। अमृता और शाहिद की जोड़ी पर्दे पर खूब जमती थी। दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते थे और उन्होंने कई हिट फिल्में भी दी थी। करीना का कहना था कि शाहिद अमृता के ज्यादा करीब हो रहे थे, जिसकी वजह से उनका रिश्ता टूटा। हालांकि शाहिद ने कभी इस बात को सच नहीं माना। सबसे पहले सन 2012 में करीना ने सैफ के साथ शादी कर ली और छोटी बेगम बन गई। वहीं शाहिद ने उसी साल दिल्ली की मीरा राजपूत के संग फेरे लेकर अपने रिश्ते को भी नाम दे दिया। ब्रेकअप के बाद शाहिद और करीना ने फिल्म उड़ता पंजाब में भी काम किया, लेकिन फिल्म में कहीं भी दोनों के सीन एक साथ नहीं रखे गए। आज दोनों अपनी अपनी शादी में बहुत खुश हैं, लेकिन एक दूसरे से कोई भी संबंध नहीं रखते हैं। शाहिद और करीना बॉलीवुड के दो ऐसे सितारे बन गए जो अब न कभी दुश्मन होंगे और न ही कभी दोस्त। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इनके बीच ब्रेकअप क्यों हुआ। कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी बांटिए और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आगे भी आपसे मिलते रहेंगे इसी तरह की कुछ रोचक और रोमांचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, अपना ख्याल रखिए, हमारा इंतजार करिए। नमस्कार।